पहला मेथड होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, सेकेंड इज ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स एंड थर्ड इज पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स। तो पहला मेथड से स्टार्ट करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। सपोज दिस इज आवर फर्स्ट फोर्स एक्टिंग एंड दिस इज आवर सेकेंड फोर्स। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारा दिस इज एफ टू फोर्स एंड दिस इज एफ वन फोर्स। तो इन अब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो हमारा होगा अप्रोक्स, कहीं यहाँ बी से जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट है तो सपोज करो ये रिजल्टेंट है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक। हमने अप्रोक्स को ये देख लिया कि रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, एफ वन और एफ टू के बीच में होगा, अगर एफ वन फोर्स इधर जा रहा है एफ टू फोर्स यहाँ है, ठीक। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है कि जो एफ टू फोर्स है एफ वन और एफ टू का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, जो मतलब इन दोनों से मिलके जो बनेगा वो कितना आएगा, कितना फोर्स होगा। उसके लिए देखो, जैसे मतलब अब एफ वन फोर्स है तो हम इसके पैरेलल में ही यहाँ से एक लाइन खींचे ड्रॉ करेंगे, ठीक, एफ वन के पैरेलल में यहाँ पे। ये एफ वन के पैरेलल हो गई और जो दूसरी लाइन होगी हमारी वो एफ टू के पैरेलल खींचेंगे एक। ये भी स्ट्रेट लाइन है यहां से यहां तक। अब नेमिंग करते हैं, ठीक है। इसको हम लेते हैं O। एक और काम करते हैं अभी, देखो जैसे अब यहाँ पे इस लाइन को जो F1 लाइन है इसको हम एक्सटेंड करेंगे, और जहां पे ये पॉइंट जो ऊपर टॉप का पॉइंट है यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। This angle will be 90 degree. अब ये वो हो गया, इसको मेन किया A, this point as B, this is as C, this as D. If this angle is theta, तो ये एंगल कितना होगा? Theta, theta. अब हम ट्रायंगल में देखते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल A, C, D. क्लियर, ये ट्रायंगल कहाँ पे सबको दिख रहा है? इसमें पहले हम साइन, yes, अगर ये फोर्स F2 है तो ये कितना होगा, अगर ये F2 है तो ये F2, सर ये F2 ही होगा सर, ये F1 है तो ये कितना होगा, ये F1, 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 F1। अब ट्रायंगल देखते हैं हम A C D, ठीक। पहला लिखते हैं हम साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हमारा सीडी बाय एसी, सीडी बाय एडी, एसी, एसी, एसी क्या दिया हुआ है, एसी कितना है, एफ2, तो हम सीडी कर सकते हैं, सीडी इज इक्वल्स टू एफ2, एफ2 साइन थीटा, साइन थीटा। पहली इक्वेशन हो गई हमारी, है यस सर, इसको नंबर वन कर दिया, ठीक। अब सेकंड हम लिखेंगे कॉस थीटा,
कॉस थीटा क्या होगा अब यहाँ पे? बी बाई एच कॉस थीटा होगा ए डी बाई एस ए डी बाई ए सी ए डी बाई एस सी ए डी डिवाइड बाई एस सी एस टू तो ए डी कितना आ जाएगा यहाँ पे? एफ टू कॉस थीटा यस मैम टू कॉस थीटा एफ टू कॉस थीटा क्लियर कॉस थीटा यस सर नोट डाउन हो गया ये सबका इतना यहाँ तक यस सर हो गया वेट वेट सर वेट सर ठीक है चलो यस सर नोट अब हम ट्रायंगल देखेंगे दिस इज ट्रायंगल O C D सबको दिख रहा है ये ट्रायंगल यस सर O C D सपोज अब दिस एंगल इज द रिजल्टेंट व्हिच इज मेकिंग विद F1 इज अल्फा यस मैम आई हैव कंप्लीटेड एंड अपलोडेड इन बिलो मैम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम ध्यान है किसी को क्या होती है यस सर हाइपोटेन्यूस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर बेस प्लस में इक्वल टू बेस स्क्वायर ठीक मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल अदर टू साइड स्क्वायर ठीक है ओसी का स्क्वायर यहां पे हाइपोटेन्यूस हो गई हमारी ओसी ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्लियर अब एडी को क्या लिख सकते हैं शो नहीं हो रही है अब शो हो रही है सबको जी सर हो रही है यस सर हो रही है एडी को सर लिखेंगे एसी कॉस थीटा अब देखो यहां पे आप देखो अब एडी को क्या ब्रेक कर सकते हैं ओए एडी कॉस थीटा का होल स्क्वायर यू माइनस ओ AD ये दिख रही है AD सर यहाँ पे AD OD होगा ना OD स्क्वायर सर OD आना चाहिए AD OD स्क्वायर OD स्क्वायर और OD माइनस OC स्क्वायर ये हमारी ये हो गई हाइपोटेन्यूज दिस इज OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर क्लियर अब ठीक है अब OD को हम क्या लिख सकते हैं OA प्लस AD OA प्लस AD स्क्वायर OA प्लस AD होल स्क्वायर होल स्क्वायर क्लियर और यहाँ पे हम कर सकते हैं सी डी स्क्वायर अब यहाँ पे ओ ए की मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखो क्या गिवन है ये ओ ए कर सकते हैं प्लस ए डी कितना हमने निकाला था अभी एसी कॉस थीटा एफ टू साइन थीटा एफ टू कॉस थीटा सर एफ टू कॉस टू कॉस थीटा है साइन थीटा है देखो जरा एडी एक बार चेक करो कॉस थीटा कॉस थीटा है सर कॉस थीटा कॉस थीटा एफ टू कॉस थीटा तो कॉस थीटा दिस इज स्क्वायर प्लस एफ टू साइन थीटा एफ टू साइन थीटा सर एफ टू साइन थीटा क्लियर का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर अब a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b f1 स्क्वायर f1 का स्क्वायर f1 स्क्वायर f2 cos स्क्वायर f2 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स f1 f1 f2 cos थीटा क्लियर cos स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा F2 is square cos square theta. Clear? Yes, sir. This is F2 square.
F2 square cos sin square theta. Sin square theta. Sin square theta. Clear यहाँ तक? सबको clear? Yes sir, clear. अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? This is F1 square. सर cos square theta और sin square theta में F2 square common ले लिया common. F2 square यहाँ से common ले लिया. Then again what is cos square theta? Cos square theta plus sin square theta. Plus This is sine square theta. या फिर ये one हो जाएगा. One हो जाएगा. Plus two times F1. F1 F2 cos theta. F2 cos theta. अब cos square theta plus sine square theta कितना होता है? One. One. One sir one. तो यहाँ क्या आ गया? F1 square plus two F2 square. Plus two times. F1 into F1, F2. F1 F2 cos theta. Cos theta. ठीक है? यहाँ पे हमने लिखा था OC square equals to this is OC square, है ना? OC को हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे देखो? OC क्या है ये? R sir, R. OC R sir. Resultant sir. Resultant. तो हम ये लिख सकते हैं R square था, R का square हमने इस side transfer कर दिया, under root कर दिया. तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई? R is equals to under root F1 square plus F2 square plus 2 times F1 F2 cos theta. F1 F2. Yes sir. क्लियर हो गया सबको? जब दो वेक्टर एडिशन होता है तो इस तरह से निकलता है. ठीक, क्लियर? यस सर, क्लियर. यस सर. यस सर. सर इधर में डेरिवेशन भी आते हैं सर, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दो इस चीज को. क्या एक्सप्लेन करना है दोबारा से सर? ये जो f f1 अल्फा अगर हमें देखना है तो यहां tan इनवर्स दिस वैल्यू विल बिकम अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इनवर्स f2 sin थीटा डिवाइड बाय f1 प्लस f2 cos थीटा. क्लियर? यस सर. यस सर. किसी को कोई डाउट? नो सर, इस पे प्रॉब्लम भी होगी ना. अब देखो हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, देखो इसे जो हमने अभी प्रूफ किया उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. ठीक है, जो हमने प्रूफ किया वो थी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स. क्यों पैरेललोग्राम कहते हैं देखो, पर ये इसके अकॉर्डिंग जो इसने स्टेटमेंट दी, इसके अकॉर्डिंग था इफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस. ठीक है, कॉन्करेंट फोर्सेस थे. किस तरह से कॉन्करेंट फोर्सेस कौन कौन से होते हैं सर? जो एक पॉइंट से निकलते हैं. एक पॉइंट से होते हैं. तो मैंने क्या बताया था, एक सपोज दिस इज एफ वन. ठीक है, हमने ये किया ना, F1 ये माना और दूसरा क्या फोर्स माना, दिस इज F2. तो ये पैरेललोग्राम ये हो गया ना, कॉन्करेंट फोर्सेस एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे थे. ठीक, तो ये हुआ इफ टू फोर्सेस, लाइक इफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस, दिस इज लाइक F1 एंड देन F2 एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी, मतलब एक बॉडी पे काम कर रहे थे, बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब इन दोनों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम. इस पैरेललोग्राम यही होता है ना, इसे ही पैरेललोग्राम कहते हैं ना. तो हमने क्या किया था? यस सर. फोर्स माना था. यस, फोर्स माना था हमने. क्या कहा था? दिस इज F1 एंड दिस फोर्स इज F2. ठीक है, यहां तक स्टेटमेंट क्लियर हो गई? डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब ये तो पहली साइड हो गई, ये हमारी दूसरी साइड हो गई. देन देयर रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, मतलब जो उसका रिजल्टेंट होगा वो मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करेगा और डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो हमने ये कहा था ना कि अगर F1 और F2 है तो इसका रिजल्टेंट कुछ इन दोनों के बीच से जाएगा, तो इसे हम डायगोनल कह सकते हैं. यस सर. ठीक है, तो यही कह रहा है ना कि इफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस लाइक F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायरेक्शन ऑफ पैरेललोग्राम drawn from the same point. ठीक,
it is also drawn from the same point origin O. So this is the parallelogram law of force. ये पहला method था जो हमने देखा. ठीक, इसमें किसी को कोई doubt? No sir. अभी हम इसमें कुछ cases देखेंगे. देखो, अगर जैसे अभी हमने बताया था फोर्स बनाया, हमने कहा कि ये F1 है और ये F2. ठीक, अब सपोज इनके एंगल वेरी कर सकते हैं, यही होगा कि मतलब अब F1 शायद F2 के साथ ही हो, 0 डिग्री पे हो या 90 डिग्री पे हो या 180 डिग्री पे हो, ये तीन चार केसेस होंगे इसके. तो पहला केस देखते हैं, अगर दोनों का एंगल, दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल जीरो है, तो हमने एक जनरलाइज इक्वेशन निकाल ली थी, हमने थीटा लिया, हमने थीटा के लिए कोई स्पेसिफाई तो किया नहीं कि हम थीटा कितना होगा, लेस देन 90 होगा, तो मतलब ये जनरलाइज इक्वेशन थी जो हमने निकाली पहले रिजल्टेंट की, वो जनरलाइज इक्वेशन निकाली. अब हम इसमें थीटा की जो भी वैल्यू डालते जाएं उसके हिसाब से हमारे आंसर आते जाएंगे. ठीक है, हमने कोई थीटा को लेस देन 90 नहीं किया, थीटा को मोर देन 180 नहीं कहा कहीं पे. ठीक, अब उसके बाद हम जो भी थीटा की वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से हमारा रिजल्टेंट आता जाएगा. When F1 and F2 are acting in the same straight line, अगर theta zero हो गया, तो F1 ऐसे लग रहा है और F2 भी ऐसे लग रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में angle तो है नहीं. और in the same direction, जब theta zero हो गया, तो मतलब एक direction में act कर रहे होंगे, तो cos zero कितना होता है? One. Resultant क्या हो जाएगा? Resultant is equal to F1 square plus F2 square, two times F1 F2. cos theta की वैल्यू 1, then resultant is F1 square plus F2 square plus 2 times F1 F2. तो यहाँ कितना F1, ये हो जाता है A plus B का square का formula क्या होता है? A plus B का whole square. Yes sir. और सर उसका square root से कट जाएगा. ठीक है, तो ये under root हो गया. अब पहले square root हुआ यहाँ पे, F1 plus F2 का whole square हो गया, ये formula जो लिखा हुआ है यहाँ पे. This is F1 plus F2 का whole square. अब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा F1 square plus F2 square plus 2 times F1 F2, और F1 square का under root, then resultant will become F1 plus F2. clear? square का है ये हमारा square है, और इसका हमने कहा under root, this is into 1 by 2, तो power cancel हो गई, this 2 cancel out, so remainder will become resultant, the resultant is F1 plus F2. क्या स्टेटमेंट है? When two forces are acting in the same line and in the same direction, then the resultant of two forces can be obtained only by adding the two forces. तो आपको बस ये वाली equation generalize ध्यान रखनी है. Then resultant की है under root F1 square plus F2 square plus 2 times F1 F2. बाकी जो भी angle होंगे आप डालते जाओ. देखो आप theta, अगर if they are both acting at 90 degree, तो resultant हो जाएगा F1 square plus 2 times F2 square plus F1 F2. cos की value theta की हमने रख दी 90 डिग्री. cos 90 कितना होता है? जीरो हो जाएगी सर. जीरो हो जाएगी. जीरो cos 90 जीरो हो जाएगी. जीरो ठीक है, अगर cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो. ठीक है, तो cos 90, तो ये पूरा टर्म कितना हो गया? जीरो. जीरो हो गया. तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. F2 स्क्वायर. ठीक है, थर्ड केस हमने देखा कि अगर इफ एंगल बिटवीन देम इज 180 degree. Cos 180 कितना होगा? -1. -1. -1. ठीक,
दिस टर्म f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स f1 f2 ये किसके बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर a माइनस b को तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा f1 माइनस f1 माइनस f2 अब ये ऐसे भी देखो ये जनरलाइज भी देखो अगर सपोज करो ये f1 था और ये f2 था तो हमारा रिजल्टेंट भी कुछ इसी डायरेक्शन में आएगा है ना रिजल्टेंट विल बिकम दिस इज f1 प्लस f2 तो ये कौन सा केस था जब थीटा 90 डिग्री था है ना वेक्टर एडिशन है मतलब f1 और प्लस f2 दिस इज f1 प्लस f2 एक ही लाइन ऑफ एक्शन सेम में आ जाएगा यहाँ पे इस केस में क्या है f1 ऐसे एक्ट कर रहा है और f2 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो जिसका रिजल्ट जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसी के डायरेक्शन में रिजल्टेंट आ जाएगा क्लियर ये चीज ठीक है सपोज मतलब f2 का मैग्नीट्यूड बड़ा था तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आ जाएगा और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी f2 माइनस f1 ठीक है क्लियर हुई ये चीज सबको सर रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव आएगी रिजल्टेंट पॉजिटिव नहीं होती है मतलब जैसे मानो आपने कहा दिस इज एफ वन इसका मैग्नीट्यूड आपने कहा 3 किलो न्यूटन अगर आप राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो जो लेफ्ट डायरेक्शन क्या हो गई ऑटोमेटिकली क्या हो गई अगर राइट एक्सिस नेगेटिव हो गई ना कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे क्या कहते थे हम यस सर अगर जैसे ये होता है एक्सिस के राइट साइड अगर हम जाते हैं तो अगर हम इसे पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली क्या हो गई नेगेटिव होगी तो वही चीज यहाँ पे भी फॉलो होती है ठीक है तो अगर वही चीज है अगर जैसे F1 को आप राइट साइड के फोर्स को पॉजिटिव लिया है तो लेफ्ट साइड का फोर्स ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा अगर अपवर्ड साइड पॉजिटिव ले रहे हो ठीक है अगर अपवर्ड साइड पॉजिटिव लिया हमने तो डाउनवर्ड साइड नेगेटिव हो जाएगा क्लियर ये चीज तो अगर मतलब वो आपके ऊपर है ठीक है सपोज करो मैंने ये साइड पॉजिटिव ले ली ठीक है मैं मेरा मन था मैंने ये साइड पॉजिटिव ले ली तो ये साइड क्या हो जाएगी अपने आप नेगेटिव हो जाएगी सर ठीक क्लियर ये चीज क्लियर होगी मतलब अगर एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो उसकी जो अपोजिट वाली डायरेक्शन होगी वो ऑटोमेटिकली उसका साइन चेंज हो जाएगा तो वही चीज यहाँ है अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 किलो न्यूटन था और राइट लेफ्ट साइड वाले का मैग्नीट्यूड 5 किलो न्यूटन था ठीक है तो डायरेक्शन इसकी अगर प्लस है तो ये क्या हो गया नेगेटिव माइनस 5 तो रिजल्टेंट विल बी ठीक है अब रिजल्टेंट ध्यान देखो मतलब अगर आप लिख रहे हो प्लस 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस रिजल्टेंट नेगेटिव में संभव है सर हां अब जैसे अगर 8 हो जाएगी सर माइनस प्लस 3 है और ये माइनस 5 तो रिजल्टेंट कितना होगा 8 हो जाएगी सर नेगेटिव आप देखो ये चीज ध्यान रखना कि सर अपोजिट डायरेक्शन में 8 हो जाएगी अपोजिट 8 किलो न्यूटन 8 किलो न्यूटन अब अगर आप वही चीज देखो एडिशन कर रहे हो ठीक है इसको आपको एक डायरेक्शन मतलब अगर आपको इस यही लिखना है तो ये होगा प्लस 3 माइनस 5 दिस इज माइनस 2 और इसका डायरेक्शन भी दिखाओगे ये ठीक है तो अगर डायरेक्शन दिखा दिया तो फिर आपको माइनस दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी फिर ठीक है आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 किलो न्यूटन और विद दिस डायरेक्शन और अब अगर इस फॉर्मूले में रख के निकालना है तो देखो F1 की वैल्यू कितनी 3 इस फॉर्मूले में हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है ठीक है तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 दिस इज 3 F2 5 cos 180 डिग्री वो ऑटोमेटिकली यहाँ साइन कंसीडर हमने कर लिया है तो आप दूसरी बार साइन यहाँ कंसीडर नहीं करोगे समझ में आई ये बात जो प्लस प्लस 3 और प्लस 8 कर रहे थे क्लियर हुआ यस यस है ना हमने यहाँ ऑटोमेटिकली साइन कंसीडर कर लिया है हमने डायरेक्शन के अपोजिट का साइन कंसीडर कर लिया है तो हम दूसरी बार फिर से नहीं रखेंगे माइनस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड रखेंगे ठीक है
तो हमें लिखना होगा तो 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2 किलो न्यूटन. ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? फिर से सुनो, अगर ठीक है फिर से सुनो ये चीज. हमने कहा, हमने यहाँ पे डायरेक्शन तो बताई नहीं अभी आपको, है ना. हमने कहा कि F1 फोर्स था और F2 फोर्स था, ठीक है, विथ विच बोथ आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में थे. F1 ये था, F2 ये था. मैग्नीट्यूड की तो बात हुई नहीं थी कहीं डायरेक्शन की, तो हमने डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में डायरेक्शन को अकाउंट कर दिया. हमने कहा दोनों का एंगल 180 डिग्री था, तो हमने F1 की वैल्यू रखी, सपोज x थी तो हमने x रखा यहाँ पे पुट किया, F2 रख दिया y और उनका एंगल रख दिया 180, मतलब 180 डिग्री. तो ये जो 180 है ये उसकी डायरेक्शन को अकाउंट कर ले गया, ठीक है. ये पैरामीटर उसकी डायरेक्शन को अकाउंट करता है, ठीक है. तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो कभी आपको फिर से मतलब माइनस का साइन नहीं रखना है, तो रिजल्टेंट विल बी ऑटोमेटिकली, ये जो रिजल्टेंट है इसमें डायरेक्शन अकाउंट कर रखा है, बस आपको मैग्नीट्यूड पुट करना है. जितने भी पीछे वाले भी थे उनमें डायरेक्ट मैग्नीट्यूड रखो और रिजल्टेंट अपने आप आएगा, ठीक. तो रिजल्टेंट इज F1 माइनस F2.